हम सब 75वें साल में हैं आजादी के, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमारे कलाकार कैसे पीछे रह सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि कौन से कलाकार ने किस तरह आजादी का यह जश्न मनाया। आजादी के अमृत महोत्सव में हर कोई सराबोर है, और हो भी क्यों ना, आखिर भारत की आजादी को 75 साल जो हो चुके हैं, आज की घटाओं में, फिजाओं में, गली मोहल्लों में बस एक ही आवाज बुलंद हो रही है कि लहरा दो अपना परचम, लहरा दो। क्या आम, क्या खास, क्या बॉलीवुड, क्या टेलीविजन, हर कलाकार तिरंगे के रंग में रंग चुका है। की सुबह कोई आम सुबह नहीं बल्कि अमृत महोत्सव की थी, जहां टेलीविजन के सितारों ने तिरंगा फहराकर सलाम पेश किया। अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कास्ट एंड क्रू ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, क्योंकि ये सुबह इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। नमस्ते, तो हमने लहराया तिरंगा, आपने लहराया क्या? हमने 75 इयर्स कंप्लीट किए हैं आज़ादी के, एंड आई फील रियली प्राउड कि मैं एक इंडियन हूँ। आई जस्ट फील कि हम सबको मिलके अच्छे से खुशी से ये त्यौहार मनाना चाहिए। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है, 75 साल पूरे हुए हैं। आज़ादी के क्या मायने हैं शायद मैं और आप भूल चुके हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी जानें दी हैं शायद उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आइए इस देश को वैसा ही बनाते हैं जैसा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान देते वक्त इस देश की कल्पना की थी। नमस्ते, मैं हूँ प्रणाली राठौर, मैंने तो अपने घर पे तिरंगा लगाया, आप भी लगा रहे हैं ना? तारक मेहता की टीम ने आज़ादी के पर्व पर राष्ट्रगीत गाकर और भी खूबसूरत बना दिया है। के जन जन और कण कण में आजादी की खुशी बसी हुई है। जो कलाकार भारत में जहां भी मौजूद हैं, वहां से अपना देश प्रेम दिखा रहे हैं। सुनील ग्रोवर, नेहा कक्कड़, कश्मीर, रिधिमा पंडित, सुदेश लहरी, पलक मुच्छाल, खुशी से कोई गा रहा है तो कोई झूम रहा है। से पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है, तू मेरा तेरे
लिए दिल दिया है, जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। सोशल मीडिया पर जहां भी नजर डालो वहां टेलीविजन कलाकार तिरंगा के साथ नजर आ रहे हैं। श्वेता माणिक ने तो इस अवसर पर अपनी कलाकारी भी दिखाई जिसके लिए वो काफी जानी जाती हैं। यही नहीं, उर्मिला मातोंडकर, जैस्मीन भसीन, रोहिताश गौर और बाकी कलाकारों ने आजादी के अमृत महोत्सव की खुशी को अपने लफ्जों में पिरोया भी है। आजादी के 75 साल होने के मौके पर खुशी का इजहार करना तो बनता है। भाषा, धर्म, जाति आदि भले ही अनेक हों, लेकिन हमारी अनेकता में ही एकता है और हमारी रग रग में बस हिंदुस्तान बसता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।